और ये फुली ऑटोमेटिक है और ये अंडा को हर घंटे पे 1 मिनट के लिए रोटेट करता है। आप देख सकते हैं इस तरह से अंडा इस मशीन में रोटेट होता है। ये आप देखिए यहाँ पे इस तरह से अंडा लोड है इस मशीन में, ये सोनाली ब्रीड का अंडा लोड है सारा। वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा जोहार। आज मैं आया हुआ हूँ रांची के कांके, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिव्यांश एग्रो फर्म है। यहाँ पे एक हैचिंग मशीन मिलती है, जिसको लेके जो किसान हैं या युवा हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम मिलवाते हैं इनके ओनर से और जानते हैं कि किस प्रकार आप वो मशीन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। आप यहाँ देखिए एंट्री गेट पे आपको दिख जाएगा कि पानी है यहाँ। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आने जब भी आप आएंगे बाहर से, तो आपको यहाँ पैर में थोड़ा सा सटा लेना है, जिससे कि हाइजीन बरकरार रखने के लिए ये किया जाता है। क्योंकि अंदर अंडे के जो मशीन है उसको पूरी हाइजीनिक चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग अंदर लेके चलते हैं। तो मेरे साथ है यहाँ के फार्म के प्रोप्राइटर विकास जी। तो विकास जी, स्वागत है आपका रांची क्रिप्स चैनल में। थैंक यू थैंक यू। तो हम आपके पास जो भी मशीन है, एक हैचिंग मशीन, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए और किस प्रकार जो युवा है या किसान है इसको खरीद कर आपके यहाँ से और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। मैं विकास कुमार चौधरी, रांची झारखंड से। यहाँ पे मैं एक हैचरी डेवलप किया हूँ जो कि 2.5 लाख कैपेसिटी का है, और साथ ही साथ हम छोटा हैचरी भी डेवलप करते हैं जो कि 50 अंडे से शुरू होता है, जो 50 अंडा, 100 अंडा, 250 अंडा, 500 अंडा, 1000 अंडा, इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी का मशीन है। जो किसान जिस कैपेसिटी का मशीन के साथ अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ मशीन दिखाऊंगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ मशीनें लगी हैं। जैसे ये 100 अंडा का मशीन लगा है, इसके बाजू में भी 100 है, इधर 500 अंडा का मशीन लगा है, और अभी ये मशीन में जिसमें काम चल रहा है ये 1000x कैपेसिटी का मशीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सर मैन्युफैक्चरिंग भी है आपका यहाँ? हाँ, ये हम लोग का ओन मैन्युफैक्चरिंग है, ये हम लोग स्क्रैप से, ये हम लोग का टेक्नोलॉजी भी हमारा अपना है। ये गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म के नाम से ये फार्म हम लोग चलाते हैं, और बेसिकली मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो हम लोग इसमें ये डिज़ाइन हम लोग का खुद का किया हुआ है मशीन का, और ICAR IIAB का मैं इंक्यूबेटिव भी हूँ, और उनके गाइड से ही और उनके स्वीकृति से ही ये मशीन बना है, और उसके बाद ही ये किसान तक जा रहा है। मशीन सारा KVKS में जा रहा है, जो भी झारखंड और बिहार में है, गवर्नमेंट सप्लाई जैसे कि ICAR खुद परचेस करके किसानों को दे रही है, और कुछ प्राइवेट जो लोग हैं वो भी परचेस कर रहे हैं। इस मशीन का खासियत ये है कि ये मशीन में हम 1000 अंडा एक बार में लोड कर सकते हैं, और मुर्गी का अंडा एक 1000 लोड करेंगे तो वो 21 दिन में हैच हो जाएगा। इस मशीन में हम बत्तख का भी अंडा लोड कर सकते हैं, वो भी 28 दिन में हैच होता है, और हम इसमें बटेर जो कि क्वेल बोलते हैं, जैपनीज क्वेल, उसका भी अंडा लोड कर सकते हैं, वो 2000 अंडा लोड होगा इस मशीन में। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें किसी किसान को अपना मैनुअल इंटरप्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मेन फैक्टर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग रोटेशन और यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन होता है, जो कि मशीन खुद ब खुद सारा मेंटेनेंस और कंट्रोलिंग करता है। इसमें ऑटो कट सिस्टम लगा है, कुछ भी चीज़ एक्सेस होने पे मशीन ऑटो कट हो जाता है, और उसको एक जो सुटेबल तापमान है उस पर बनाए रखता है। और किसान को बस सुबह शाम बस इस मशीन को देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं, और ये मशीन इन्वर्टर बैटरी से भी कनेक्ट हो जाता है। और ये जो 1000 कैपेसिटी का मशीन है, ये लगभग 1500 वाट का होता है, जो कि आराम से एक 2.5 KVA इन्वर्टर बैटरी और दो ट्यूबलर बैटरी के साथ हम लोग जोड़ के चला सकते हैं, और हर हैच में 80% से प्लस हैच किसान को मिलेगा, और वो इससे एक अच्छा रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं डे वन से ही। तो सर सबसे छोटा मशीन कितना से स्टार्ट होता है, कितना हम लोग का सबसे छोटा मशीन जो है वो 55 से 56-60 अंडा के बीच का है। एक बार देख सकते हैं? हाँ, प्लीज आइए ना, वो मशीन हम आपको दिखाते हैं। हमारा जो है ये लगभग 55 से 60 अंडे का मशीन है, और जैसा कि मैं आपको बोला कि मैं इसमें हम लोग बटेर भी लोड कर सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये फुली एयर टाइट इसका लॉकिंग रहता है, जहाँ से कुछ भी एयर लीकेज ना हो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बटेर का अंडा लोड है, और ये फुली ऑटोमेटिक है, और ये अंडा को हर घंटे पे 1 मिनट के लिए रोटेट करता है। आप देख सकते हैं इस तरह से अंडा इस मशीन में रोटेट होता है।
ये रोटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अंदर एम्ब्रॉयर डेवलप हो रहा है वो सेल पे चिपके ना, और मुर्गी भी जो अंडा सेती है वो भी प्रायः उस अंडे को अपने पेट में घुमाते रहती है पैरों से, ताकि वो सेल पे एम्ब्रॉयर चिपक ना जाए। तो इसमें इसके अलावा सर मतलब मुर्गी का अंडा भी आप कर सकते हैं, जो भी अंडा है वो कर सकते हैं, बतख का, मुर्गी का, जी हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इसका प्राइस कितना है सर? सर ये मशीन जो हम लोग है ये मशीन 17,000 का है। मतलब छोटे स्तर पे अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, 17,000 रुपए में मशीन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और करीब कितना अंडे को ये हैच करता है आप बताएं? बटेर का अंडा अगर आप इसमें डालेंगे तो लगभग 100 अंडा आएगा, और मुर्गी का डालेंगे तो लगभग 56 से 60 अंडा आएगा इसमें। अच्छा, मुर्गी का 60 अंडा तक आ जाएगा। जी, जी, अच्छा हाँ। जो ये बात करते हैं जो अंडा है सर, तो वो अंडा तो सब अंडा नहीं इसमें डाल सकते हैं, तो वो फर्टिलाइज अंडा कितने दिन के अंदर आप खरीदना होता है और कैसे होता है ये थोड़ा सा प्रोसेस? देखिए दो तरह का अंडा होता है, एक फर्टाइल और एक इनफर्टाइल। तो जो भी मुर्गी मुर्गा से क्रॉस होता है जिसका भी, जहाँ पे ऐसा रेशियो में रखा रहता है जो कि हम लोग नॉर्मली 9:1 का रेशियो में रखते हैं हर किसान, वहाँ से फर्टाइल अंडा हम लोग लेके डालते हैं। और वो अंडा को नॉर्मल गर्मी के दिन में 3 से 4 दिन के अंदर मशीन में डाल देना है, और प्राय ऐसे ठंडा और बरसात के दिन में हम लोग 1 वीक का भी अंडा मशीन में डाल सकते हैं। इससे लेट करने से पर डे समथिंग कुछ परसेंटेज ऑफ हैचिबिलिटी कम होते जाता है। मतलब जो मुर्गी अंडा देती है उसके 5 दिन के अंदर आप वहां से अगर ले लेंगे और इस मशीन में डाल देंगे तो चांसेस रहेगा कि आपके हैचिंग। अब इसका एक फायदा हम आपको बताते हैं, जैसे इसके बगल में आप देखिए मुर्गी का अंडा है, और ये सेम प्रोसेस पे वही चल रहा है। ये 112 अंडा का मशीन है जी, तो देसी मुर्गी का। हाँ ये देसी, इसको ये प्योर देसी मुर्गी का अंडा है जी। और इससे किसान क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली जो मुर्गी अंडा देती है, किसान के पास अगर 15-20 मुर्गी है वो अंडा दे रही है, तो वो मुर्गी अगर अंडे पे बैठती है सेने के लिए तो वो उस अंडे को 21 दिन सेगी और फिर उस बच्चे को लेके वो 3 महीना घूमती है जी। तो उसका 4 महीना मुर्गी का चला जाता है जी। अगर हम उस मुर्गी का अंडा लेके मशीन में डाल दें तो उस जो किसान को अंडे से चूजे का आवश्यकता था उसको यहाँ पे एक छोटा मोटा मास प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर हम मुर्गी से अंडा ले लेते हैं तो वो इमीडिएट नेक्स्ट मंथ फिर अंडा देना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसके पास कोई अंडा नहीं रहेगा ब्रूडिंग के लिए। तो इससे मुर्गी का एक प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और आपको जो चूजा चाहिए वो चूजा आपको मशीन से मिल भी जाएगा। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो जाता है किसान के लिए। तो उसमें जो अंडा वो ऐसे मान लीजिए जो बाहर से अंडा खरीदेंगे जी, तो वो जो अंडा लेके हैचिंग कराते हैं, हैचिंग के बाद जो सेल करते हैं वो जो बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वही उनका होता है जी। इसके अलावा जो ऐसे किसान है जो घर में बहुत सारे मुर्गी रखे हैं वो जो अंडा देती है उससे यहाँ मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इससे लोकल ब्रीड भी आप सेव कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे शौकीन होते हैं जो फाइटर कॉक के शौकीन है, जो पैरोट बीक असील हो गया या नॉर्मल असील जो फाइटर असील होता है, और भी कड़कनाथ ब्रीड हो गया, और भी इस तरह का संकर नस्ल जो है जो मुर्गियों का है। गांव देहात में क्या होता है कि लोग उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो एक विलुप्त के स्थिति में है। तो उस तरह का ब्रीड को भी ऐसा छोटा छोटा मशीन अगर हम किसान लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फार्म के विलेज लेवल पे अगर दे दे तो किसान इससे उस सारा ब्रीड को सेव कर सकते हैं, उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उससे कुछ रोजगार का जरिया, और सबसे बड़ा बात कि इसको कोई भी महिला या कोई भी बुजुर्ग भी चला सकता है। ये मशीन आपसे कोई वर्क नहीं मांगता है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक। वोल्ट कितना सप्लाई लेता है? सर ये 150 वाट का मशीन है, और वो भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जब आ जाता है तो हीटर ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से 12 घंटा के लगभग में 24 घंटा में हीटर ऑफ रहता है, तो 12 घंटा ही वो 150 वाट लेता है, और नेक्स्ट 12 आवर ओनली 30-35 वाट में मशीन चलता है। तो ये जो इसमें अंडा डालेंगे वो 21 दिन का समय लेगा इसी के मशीन के अंदर आपको रखने देना है, तभी वो हैचिंग होता है जी, जी, तो इसमें जो वोल्ट सप्लाई होता है सर उसका क्या मतलब लमसम चार्जेस लग जाता होगा, क्योंकि 21 दिन तक ये मशीन चलता रहेगा जी, जी, तो उसके किसान को क्या लगभग चार्जेस लगता होगा? देखिए लगभग अगर 30-35 वाट एवरेज में हम लेके चले और दिन भर में 12 घंटा अगर मशीन 100 वाट पे चल रहा है, एक बल्ब जो हम लोग गाँव में जलाते हैं, तो लगभग 500 के अंदर ही इसका जो है वो बिजली बिल आएगा, कि जो कि रूरल टू रूरल एरिया में जो बिजली का चार्जेस है वो 300 से 500 के बीच में ही खर्च उसका होगा, और वो उस पर ये मशीन को चला सकते हैं। और बैटरी इन्वर्टर या सोलर पैनल भी अगर उनके पास है
तो उससे भी बहुत आसानी से वो इस मशीन को चला सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए किसान अगर अंडा कहीं से खरीदते हैं तो 10 रुपया मान लीजिए कॉस्ट में उस अंडे को खरीदे, तो हैचिंग करने के बाद जो वो चूजा निकलता है तो वो मार्केट में कितना रुपए तक बिकते हैं? मार्केट में उसका रेट लगभग 22 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 35 रुपया, अलग अलग समय का अलग अलग रेट रहता है, लेकिन फिर भी कभी भी किसान इसमें नुकसान में नहीं रहेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस ये होगा। करेक्ट करेक्ट, कभी भी ये 20 रुपया से प्लस में ही चूजा जाएगा। तो 10 रुपया का अगर आप अंडा डाले और 22-24 रुपया का अगर आप बच्चा बेच रहे हैं, 3-4 रुपया अगर आप इस पे प्रोडक्शन चार्ज भी लगा देते हैं जो बिजली का लगता है, तो भी 10 का 20 ये मशीन बना देता है, तो दोगुना ये जो डबल जो है जो भी आप लगा रहे उसका दोगुना कम से कम आपको मिलेगा। ये तो इसका क्या सर कॉस्ट है? ये सर हम लोग 25,000 में देते हैं ये मशीन को। तो कोई भी मेरे दर्शक लेना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ काके में ऑफिस है वहाँ से ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से ले सकते हैं। मैं इनका नंबर दे दूंगा, जिनको भी मशीन लेना है वो सर से उस नंबर में कांटेक्ट करके मशीन ले सकते हैं। तो इसके बाद चलिए और भी मशीन हम देखेंगे। इस तरह का हमारे पास में 100 के बाद 500 अंडा का भी मशीन है, 250 अंडा का भी है, 1000 का भी है, जो किसान अपने लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या होता है सर? सर यहाँ पे ये तो एक हो गया, जो अपना एक हैचिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो किसान चूजा निकालना चाहते हैं, उनका एक रोजगार का जरिया इस मशीन से शुरू हो सकता है। लेकिन अब वैसे किसान का हम बात करते हैं जो 1000-2500 देसी मुर्गी या बत्तख या ब्रॉयलर चूजा का पालन करते हैं, वो भी हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 2.5 लाख कैपेसिटी का हैचरी मशीन का सेटअप है, जहाँ पे वीकली 30,000 चूजा हैच होता है। इस हैचिंग में ब्रीड्स अवेलेबल है, वो है ब्रॉयलर जो कि कॉफ 430Y वैंकिस का ब्रीड है, वैनकॉब, और सेकेंड ब्रीड है सोनाली जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, और उसके बाद बत्तख जो इंडियन रनर है या खाकी कैम्बल, वो हम लोग यहाँ हैचिंग करते हैं। एक बार दिखाएंगे सर इसको। ये आप देखिए यहाँ पे इस तरह से अंडा लोड है इस मशीन में, ये सोनाली ब्रीड का अंडा लोड है सारा। हम लोग यहाँ पे लगभग 1.5 लाख अंडा पर मंथ सोनाली का लोड करते हैं, उसके बाद ब्रॉयलर का लगभग 1 लाख के आसपास अंडा लोड करते हैं, और कुछ अंडा जैसे बत्तख का 40-50 हज़ार अंडा हम लोग लोड करते हैं। जी, तो इतना प्रोडक्शन करते हैं। तो वैसे किसान जो यहाँ से चूजा परचेस करना चाहते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं? जी हाँ, वैसे किसान जो जिनको भी चूजा चाहिए वो डायरेक्ट संपर्क करें, आपको न्यूनतम से न्यूनतम रेट में चूजा का आपूर्ति किया जाएगा, और बहुत ही उन्नत नस्ल का चूजा आपको दिया जाएगा। इसमें कोई भी मिक्स वैरायटी नहीं रहेगा। बहुत जगह जो किसान को ठगी होता है, कुछ और बोल के कुछ और मिल जाता है, वो सारा चीज़ किसान को यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और ये जो मशीन है सर, इसमें जो ट्रे लगा हुआ है, जब ये हैचिंग के समय आता है तो ये ट्रे हटा लिया जाता है क्या? सर एक्चुअली ये पूरा रूम जो है इसको सेटर रूम बोलते हैं। यहाँ पे एग सेटिंग होता है। नॉर्मली इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि 18 दिन तक आप जैसे छोटा मशीन में देखे कि अंडा मूव हो रहा था जी, वो मूवमेंट केवल 18 दिन तक ही रहेगा, और लास्ट 3 डे जो 21 दिन में चूजा हैच होता है वो हैचर में ट्रांसफर हो जाता है अंडा, और उस हैचर में चूजा को निकालते हैं हम लोग। तो आगे वो हैचर लगा है, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से अंडा ट्रांसफर हो जाता है 18 दिन के बाद। यहाँ पे ये हर हैचर 10,000 का है। ये गेट ओपन करो, आप इधर आएंगे तो इधर ट्रे आप देखेंगे इस साइड। ये जो ट्रे है ट्रॉली पे सेट है, ये इसको हैचर ट्रे बोलते हैं। आखिरी 3 दिन के लिए अंडा यहीं शिफ्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे 3 दिन में चूजा हैच हो जाता है, और फिर यहाँ से हम लोग चिक्स को सप्लाई करते हैं। इसके आगे का रूम जो है उसको चिक्स रूम बोलते हैं। आप आइए इधर। यहाँ पे चिक्स हैच होने के बाद बाहर आता है, और इस तरह का बॉक्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह के बॉक्स में पैक हो जाता है। हाँ, ये हमारे कंपनी का ही ब्रांडेड है। और दिव्यांश एग्रो बॉक्स में कितना? इसमें 80 चूजा अटता है सोनाली का, बत्तख का 60 चूजा, और ब्रॉयलर का 50 चूजा, 51 चूजा अटता है। जैसे जो बॉक्स आइडेंटिफाइड रहता है, ये सोनाली का है तो सोनाली है, और अगर जैसे ये कॉफ 430 आप देख रहे हैं, जैसे ये बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कॉफ 430 मींस ये ब्रॉयलर होता है, कॉफ 430 ब्रीड। तो ब्रॉयलर जब जाता है तो इस बॉक्स में जाता है, सोनाली जब जाता है तो इस बॉक्स में जाता है, तो आइडेंटिफाइड रहता है। सोनाली देसी, सोनाली ये देसी से सबसे क्लोज ब्रीड है, जो कि अभी लगभग लास्ट 3-4 ईयर से
ये छाया हुआ है, ये बेसिकली बांग्लादेश का ब्रीड है जी, और ये 2015 के अराउंड बांग्लादेश के बॉर्डर से मालदा रीजन में बंगाल में इन हुआ था। स्लोली ये ब्रीड इतना ज़्यादा फायदा दिया किसानों को कि बंगाल में बहुत तेज़ी में फैला, और 2018 एंड तक ये झारखंड में भी आ गया, और हम लोग 2018 से ही इसका काम स्टार्ट किए थे, और आज के डेट में ये पैन इंडिया में फैल चुका है ये सोनाली ब्रीड जी। पर बेसिकली ये बांग्लादेश का ब्रीड है। तो चिक्स को यहाँ से डिस्पैच करने से पहले आप यहाँ देख रहे होंगे हम लोग इसको वैक्सीनेट करते हैं। एक्चुअली ये वैक्सीन बोले तो इसमें हम लोग इंटाविट कुछ मल्टी विटामिन के साथ कुछ एंटीबायोटिक डालते हैं, ये वैक्सीनेटर है जिससे हम वैक्सीनेट करते हैं, और यही दोनों मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक और मल्टी विटामिन उसमें मिला रहता है। ये ब्रूडिंग स्टेज में अर्ली मोर्टिलिटी से कंट्रोल करता है जी। चूजा में एक इम्यूनिटी बूस्ट होता है और वो फार्म लेवल पे जा करके तुरंत उसका अर्ली मोर्टिलिटी, किसान अगर कुछ लापरवाही भी कर रहा है और अगर हम ये दिए हुए हैं चिक्स में तो उसको नहीं होता है। नॉर्मली लोग थोड़ा सा असकत के वजह से ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये करने से डायरेक्ट किसान को फायदा होता है। तो यहाँ से जो सप्लाई होता है सर, वहाँ जाने के बाद वो लगभग 100% चांसेस रहते हैं कि उस सभी के बचने के, ऐसा तो नहीं है कि सी नॉर्मली हम लोग चूजा जो देते हैं ब्रॉयलर का और ये सब, हम लोग 2% एक्स्ट्रा चूजा देते हैं जी। तो और मोर्टिलिटी रेट भी इस चिक्स का विद इन 1.5 से 2% पे अच्छे किसान सारे निकाल रहे हैं, तो जो उनका मोर्टिलिटी होता है वो हम लोग एक्स्ट्रा दे दिए रहते हैं, तो वो जो कॉस्ट पे करते हैं जितने चिक्स का उतना चिक्स उनका बच जाता है, तो उनको नुकसान होता नहीं है। जो पोल्ट्री फार्म किया हुआ है वो यहाँ से चूजा परचेस करके डायरेक्ट कर सकता है जी। तो बहुत जगह से सुने थे सर कि बंगाल वगैरह से भी आते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि बगल जी। हाँ, वो एक समय था सर कि जब हम शुरुआत किए थे तो हमको भी बाहर से ही चिक्स मिला था, 200 चूजा से ही हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। आज हमारा बिजनेस 2.5 लाख कैपेसिटी का है, और अब किसी भी रांची और झारखंड इधर लोकल किसान को कहीं भी बाहर का चूजा के ऊपर निर्भर रहने का जरूरत नहीं है, वो खुद आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ चूजा ले सकते हैं। उनके लिए हमेशा हम यहाँ खड़े हैं, कुछ भी उनको दिक्कत हो तो टेक्निकल गाइडेंस का टीम भी है हमारा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, उनके फार्म लेवल पे जा करके उनको जो भी दिक्कत आ रही है जब तक उनका चूजा मार्केट में आउटपुट नहीं हुआ है तब तक उनको टेक्निकल गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए सर, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं आप। तो आपका जो ऑफिस है वो कहाँ है, एक बार बता देते दर्शकों को। सर ये हैचरी यहाँ कांके रोड चौड़ी बस्ती ब्रह्मचारी नगर में है, और ये इसका लैंडमार्क है सर्विस सेंटर हीरो होंडा बजाज का, और ये कांके जोड़ा पुल से पहले है, और हमारा ऑफिस जो कस्टमर के लिए है वो भी यहीं पे है रोड से इन होते के साथ, और यहाँ दिव्यांश एग्रो के नाम से ये हैचरी है, और गरिमा इंटीग्रेटेड एग्रो फार्म जो हमारा सिस्टर कंपनी है सेम प्रोपराइटर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंजीनियरिंग वर्क करते हैं उसी में वो इंक्यूबेटर का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं जी। चलिए सर, जितने भी हम आशा करते हैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको आपके इस जो प्रोडक्ट है उससे फायदा हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।